अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ काइन मास्टर के बारे में कि आप किस तरह वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं काइन मास्टर में। तो चलो शुरू करते हैं। काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। ये प्लस का निशान आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। फिर हम मीडिया में चले जाते हैं। यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड उठा लेते हैं। मैं ये ग्रीन वीडियो के बारे में बता रहा हूँ आपको। आप कोई भी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में बता रहा हूँ। ये हो गया ओके। इसके बाद जाएंगे लेयर में, यहाँ से मीडिया में जाएंगे और एक ग्रीन वीडियो उठाएंगे। ये ग्रीन वीडियो है मेरे पास, इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। इसके बाद हमने जाना है क्रोमा की में। ये क्रोमा की है, इसको क्लिक किया, इसको इनेबल करेंगे। तो जैसे ही इनेबल करेंगे, इसकी जो बैकग्राउंड है वो देखें, खुद ब खुद गायब हो जाएगा। ये देखें, ठीक हो गया। इसको ओके करते हैं। अभी चेक करते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि काइन मास्टर में जो टेक्स्ट चलाते हैं नीचे, आपने अक्सर देखा होगा यूट्यूब वीडियो पे कि नीचे लिखा होता है प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, तो वो मैं काइन मास्टर में आपको बताऊंगा कि कैसे आपने लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। माई यूट्यूब, चैनल चलो जी ये हो गया। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फिर ये जो चीज़ है इसको आपने यहाँ ले जाना है। फिर इसको आपने सेट करना है, ये जहाँ भी आप चलाना चाहते हैं, नीचे या ऊपर। तो मैं यहाँ पे इसको सेट करूँगा। फिर ये आपको चाबी का निशान नज़र आ रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो प्लस का निशान है इसको ओके करेंगे। इसके बाद अपनी ये टेक्स्ट पकड़ कर यहाँ पे छोड़ने ले जाके, ये यहाँ पर अभी आप दे सकते हैं, ये देखें। फिर ओके कर देना है। अभी चेक करते हैं, अभी लगता है कि इसकी थोड़ी स्पीड तेज़ है, तो वो स्पीड कम कर लेते हैं। इसको ओके किया, इसको पकड़ के थोड़ा और लंबा कर लिया। अभी क्या करेंगे, अभी आप देख सकते हैं कि सही आराम से चल रहे हैं स्लो स्पीड में। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने चैनल का लोगो कैसे लगाना है, वो भी आप यहाँ जाएंगे लेयर में, मीडिया सेलेक्ट करेंगे और जहाँ भी आपने रखा होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैंने तो यही रखा हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे और इसको यहाँ पे सेट कर देंगे यहाँ पर। फिर इसको ये पकड़ कर यहाँ तक छोड़ेंगे जहाँ तक हमारी वीडियो है। अभी चेक करते हैं, अभी आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने कोई भी म्यूज़िक ऐसे ऐड करना है, तो ऑडियो में जाएंगे, यहाँ से कोई भी एक आप सॉन्ग लगाना चाहते हैं या कोई भी म्यूज़िक लगाना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। ये प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। पहले अगर आप प्ले करके चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से चेक भी कर सकते हैं।
फिर इसके बाद ओके करेंगे और फिर वीडियो प्ले करेंगे, तो ये म्यूज़िक चलना शुरू हो जाएगा हमारा। तो यही थी वीडियो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो मैं मज़ीद लेके आऊँगा कि मोबाइल के ज़रिए आप कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। कोई भी अगर सॉफ्टवेयर नया आया, ऐप कोई नई आई, तो मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह बताऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। ओके दोस्तों, शुक्रिया।